28 सितंबर को थाईलैंड की धरती पर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल काउंसिल IHRCCC ने दिल्ली के हिमाचल भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इस आयोजन की जानकारी दी गई। संस्था की ओर से IHRCCC के चीफ डॉक्टर VP सिंह और रोहित जैन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और आगामी थाईलैंड कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। डॉक्टर VP सिंह ने कहा, इस बार अद्भुत भारत, संपन्न भारत, आत्मनिर्भर भारत का यह पहला इंटरनेशनल कार्यक्रम है जिसमें थाईलैंड के पटाया में 25 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस आयोजन में थाईलैंड में रहने वाले लोग भी भाग ले रहे हैं। बता दें कि इस मौके पर IHRCCC के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित जैन ने कहा, इस कार्यक्रम में लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री देश के प्रतिभाशाली लोगों को अवार्ड देकर सम्मानित करेंगी। साथ ही संस्था में कुछ पदाधिकारी को भी मनोनीत किया गया जिसमें रोहित जैन को राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशासन एवं राकेश कुमार मेहता को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशासन के पद पर मनोनीत किया गया। बता दें कि संस्था की उच्चायुक्त आकांक्षा विद्यार्थी ने कहा, समाज के लिए हम और हमारा संगठन हमेशा प्रतिबद्ध है। इस प्रेस वार्ता में आकांक्षा विद्यार्थी उच्चायुक्त प्रियंका शर्मा, प्रियंका कौर, शिप्रा राय, सौरभ सचान, दीपक सिंह, रोशनी सिंह, घनश्याम यादव, विशाल ने भाग लिया। राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने तिरंगा यात्रा का ऐलान किया है, कब से ये तिरंगा यात्रा है और कब कहाँ है? तिरंगा यात्रा थाईलैंड में हम लोग निकालने जा रहे हैं। थाईलैंड का एक शहर है पटाया, पटाया में 28 सितंबर को हमने तिरंगा यात्रा रखा है और साथ साथ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखा है, उसका नाम है अद्भुत भारत, संपन्न भारत, आत्मनिर्भर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। क्या मकसद है इसका? भारत को जोड़ना और पूरे विश्व के साथ, क्योंकि हमारी जो सांस्कृतिक जो विरासत है, जो पहचान हमारी है पूरे विश्व में, वो कहीं नहीं है। तो पूरे विश्व में जो है भारतीय एकता, अखंडता, देश प्रेम की भावना के साथ मैं जाना चाहता हूँ। भारत विश्व का कोई भी संगठन नहीं जहाँ 2-4 भारतीय काम न करते हैं, तो सबके साथ अपने सांस्कृतिक महोत्सव को मनाना चाहता हूँ और राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम के लिए काम करना चाहता हूँ। थाईलैंड में ही आपने क्यों इसके बारे में थोड़ा नीचे कर लो माइक? अभी मैंने 5 प्रोग्राम किए भारत में, गुप्ता जी नीचे कर लो माइक थोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने का इरादा था, तो चूंकि हमने पहला प्रोग्राम थाईलैंड भी लिए रखा, तो वहाँ वीजा ऑन अराइवल है, पर्यटक स्थल है, लोग घूमने के लिए भी जाते हैं, तो बड़ी आसानी से लोग पहुँच जाएंगे और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हमने थाईलैंड को चुना। कितनी संख्या देखने को मिलेगी इस यात्रा में? अब ये तो पूरे हम सब लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग पहुँचें, क्योंकि विदेश की धरती पर हम अपनी गर्जना को दिखाना चाहते हैं कि हमारी एकता कितनी बड़ी है, हम अपने राष्ट्र के प्रति कितने सजग हैं। तो आशा है कि बहुत सारे लोग आएंगे। विदेश की सरकार या विदेश की जो कानून व्यवस्था है उसकी कितनी आपको समर्थन मिल रहा है? उसका पूरा समर्थन है। हमने कहा कि भारतीय संस्कृति और थाई संस्कृति का आदान प्रदान होगा, एक दूसरे को लोग जानेंगे बहुत अच्छे ढंग से, और जो नई पीढ़ी है, चाहे भारत के लोग हों जो जाकर के दूसरे देशों में बस गए, उनके बच्चे हों, तो उनके लिए सांस्कृतिक महोत्सव बड़ा ही सुखद होगा, बड़ा ही अनुभवकारी होगा, और विदेशी लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं और थाई सरकार का बहुत योगदान है। मैं वहाँ जाकर के मिला तो लोकल जो प्रशासन है उसने सहयोग करने का वादा किया है। ये कितने दिन का कार्यक्रम रहेगा? सर ये कार्यक्रम एक दिवसीय है, बाकी उसके बाद लोग घूमेंगे। 28 सितंबर थाईलैंड में तिरंगा यात्रा का आप लोग शुभारंभ करने वाले हैं, कब से शुरू कर रहे हैं और कब? 28 सितंबर को हम थाईलैंड में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि देश को मजबूत बनाने में अगर किसी का हाथ है तो एक आज के जो जनरेशन, युवा जनरेशन है, उनका हाथ है। तो क्या उद्देश्य है इसका तिरंगा यात्रा का? तिरंगा यात्रा का उद्देश्य यह है कि हम जब तिरंगा यात्रा निकालेंगे तो वहाँ पर हमारे देश का मतलब नाम जो होता है, हमारे देश का नाम होगा वहाँ पर भी। थाईलैंड में हम अगर तिरंगा यात्रा निकालेंगे तो जो युवा वगैरह अभी वहाँ पर पहुँचेंगे, आएंगे, जिन सब आएंगे, तो उनके मन में भी थोड़ा रहेगा कि हम फॉरेन में आकर हमने कुछ हमारे देश के लिए किया है। यात्रा से पहले आपको अध्यक्ष की नियुक्ति मिल रही है, आज क्या कहते हैं, कितनी खुशी हो रही है, किस तरीके से? ये मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि आज एक युवा
24 साल की उम्र युवा उम्र में मुझे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, मेरे शहर वालों के लिए बहुत गर्व की बात है और इसी हम तेज़ी के साथ रफ्तार के साथ आगे हम काम करेंगे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के साथ। ठीक है, एक सवाल क्या कुछ कहेंगे आज मुझे सबसे पहले तो उपाध्यक्ष के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल काउंसिल में नियुक्ति दी गई है, उसके लिए मैं वीपी सिंह सर का और बाकी जो संस्था के अहदेदार हैं उनका आभारी हूँ। थाईलैंड में हम लोग जो यात्रा करने जा रहे हैं, सबसे पहले थाईलैंड पे पर्यटक स्थल है, हमारे देश से बहुत सारे लोग घूमने के लिए वहाँ चले जाते हैं, तो घूमने के साथ साथ उनको राष्ट्रभक्ति के बारे में भी थोड़ा ध्यान में रहे और हमारे देश में जो राष्ट्रभक्ति का जो अभी जो चल रही है, मोदी साहब ने जो चलाई है, उसका प्रचार प्रसार अच्छी तरह से हो सके उसके लिए हम लोग करें। आगामी समय में तिरंगा यात्रा आप लोग निकालने वाले हैं, क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके की तैयारी हमारी पूरी है क्योंकि हम लोग पिछले एक महीने से पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारा ये जो प्रोग्राम है अभी पीछे ही हम बेसिक का प्रोग्राम खत्म करके आए हैं और ये उसी दिन के साथ हमारी ये सोचते हैं कि अब हमें इंटरनेशनल भी अपने आप को वहाँ पर भी एक अपना तिरंगा यात्रा निकालनी है। मेन हमारा जो मोटिव है वहाँ पर लोगों को जोड़ना, वहाँ के जो हमारा कल्चर है इंडो थाई कल्चर है उसको हम आगे मोटिवेट करना चाहते हैं और एक तिरंगा यात्रा वहाँ पर निकालेंगे जो कि 25 किलोमीटर्स की हमारी कोशिश है जो निकली। महिलाओं की कितनी भागीदारी रहने वाली है? देखिए मैं खुद एक महिला हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से अपील करूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर इस इंडो थाई यात्रा में अपना हिस्सा लें और आगे जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो वीमेन फीमेल स्पेशली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो स्पेशली पार्टिसिपेट करें इस प्रोग्राम में।